देख सकते हैं ये बैटरी वाली गाड़ी आई है हमारे पास। आप देख सकते हो TNR स्कूटी का ये नाम है और इसकी कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पोर्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें फॉल्ट क्या हो रहा है कि जब गाड़ी चल रही है तो मिसिंग टाइप की मारी है, जैसे नॉर्मल बाइक पे होती है, पेट्रोल वाली बाइक में जैसे मिसिंग मारती है कि पेट्रोल खत्म हो गई है, ऐसे ये मिसिंग मार रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें फॉल्ट क्या है और इसको कैसे सही करें। दोस्तों इसका जो फॉल्ट होते हैं वो बिल्कुल छोटे ही होते हैं, लेकिन ढूंढना पड़ता है, बस इतना ही है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये प्लग वगैरह, इनमें हवा मार के हम इसको फिट करेंगे, फिर ये चल पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों इसको हवा मार के हम फिट करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ पूरी स्कूटी एक बारी। ये बैटरी वाली स्कूटी है। तो हम इस जगह पे हवा मारेंगे, इस सॉकेट पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी इसको हम सॉकेट होती है दोस्तों, ये अच्छे से साफ करेंगे। ये धूल मिट्टी आने की वजह से गाड़ी मिट्टी टाइप की करती है। इस पे दोस्तों पेट्रोल नहीं पड़ता, ये बैटरी वाली गाड़ी है, ये बैटरी चार्ज करके चल जाती है। तो सॉकेट हम लगा देंगे दोबारा इसको। दोस्तों ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं, बस निकालने पड़ते हैं हमें। तो चलिए हम इसको फिट कर लेते हैं और आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों ये चाबी ऑन हो चुकी है हमारी और आप देख सकते हो मीटर पे लाइट आ चुकी है। पहले क्या था कि मीटर पे लाइट तो आ रही थी लेकिन बंद हो जा रही थी बार बार। तो आप देख सकते हो आप अभी ओके, अभी आपको टेस्ट करके हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कैसे भाग रही है गाड़ी। तो जब भी ऐसे कोई फॉल्ट आए तो आप इसके जो सॉकेट होते हैं इसको आप साफ कर लें, नहीं तो पेट्रोल से साफ कर लें, नहीं तो हवा मार के साफ कर लें। इससे आपकी जो मिसिंग की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इसमें वायर वगैरह होता है, वो करंट पूरी गाड़ी में होती है, इसी की वजह से ये पूरा वर्क जो है बिल्कुल काम करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, इनको अपने ध्यान में जरूर रखें। तो दोस्तों हमने हवा हुआ मार के उसको चेक किया लेकिन गाड़ी फिर भी मिसिंग कर रही थी, आगे जाके थोड़ी देर बंद हो जाती थी। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं स्विच यहाँ पे, ये हमने नया लगवाया इसको, इसको आप चेंज करवा लें, उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप देख सकते हो ये हमारा पुराना है, आप देख सकते हो ये पुराना है हमारे पास, ये हमने चेंज किया है। इसको दोस्तों गियर की प्रॉब्लम थी, तीसरे गियर पे ये बंद हो जाती थी दोस्तों, तो ये हमने चेंज किया। जब भी आपको ऐसे फॉल्ट आए दोस्तों तो सबसे पहले वायरिंग वगैरह चेक कर लें और उसके बाद ये जो हमारा एक्सलेटर मुट्ठा वाला होता है इसको डाल के चेक कर लें। तो दोस्तों हमने ये जो चीज़ थी हमारी एक्सलेटर, इसको हमने चेंज किया तो हमारी जो मिसिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। दोस्तों इसमें होता कुछ नहीं है, खाली करंट की समस्या होती है, उसको थोड़ा समझना पड़ता है और कुछ नहीं है इसमें। इसमें दोस्तों जो बाइक में इंजन लगा होता है, स्कूटी में इंजन लगा होता है, वो नहीं है इसमें। दोस्तों वायरिंग की समस्या ज़्यादा आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहला गियर चल रहा है और दूसरा भी चल रहा है आपका, और यहाँ पे तीसरा भी चल रहा है, और चौथे का जब गाड़ी चलेगी उसके बाद आएगी। तो यही आपको दिखाना था। तो चलिए हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए।